स्वागत है आपका मेरे चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध हो। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास कोई समस्या बहुत देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का विषय बहुत ही सिंपल और कारगर विषय है। इसमें आपको ना कोई पूजा करनी है, ना कोई पाठ करना है, ना कोई मंत्र करना है, कुछ भी नहीं करना। और ये क्रिया इतनी पावरफुल है दोस्तों कि आप इसको करके तो देखिए, आपको स्वयं पता चलने लग जाएगा कि आपने ये क्या शुरू किया। आपको छोटा सा दान करना है, वो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरी चैनल की मुलाकात, जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस युग में पैसे की आवश्यकता किसको नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको पैसे की आवश्यकता ना हो। अगर ये कहें कि कलयुग का भगवान ही पैसा है तो गलत नहीं। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास दोस्तों कुछ भी नहीं। आपको चाय तो आप सभी पीते हैं दोस्तों, तो इस चाय का ही आपको दान करना है। पहले एक बात मैं और समझा दूं कि दोस्तों चाय का जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, और चाय एक मुहूर्त भी माना जाता है। अगर आप कहीं बैठे हैं और आप उठ के चलने लग जाते हैं, और उस टाइम अगर आपको कोई कहता है कि चाय पी के जाइए, तो दोस्तों आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि चाय की बात हुई है इसलिए आपको वहाँ जाना नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगे भी तो वो काम आपका असफल होगा। इसलिए आपके सामने अगर किसी ने बोला कि चाय पी के जाइए, तो भले थोड़ी सी पर चाय पी के ही निकल। अगर चाय पिए बिना जाएंगे तो आपका वो काम असफल होगा, ये 100%। चाय का ऐसी एक मान्यता है, कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब कोई जा रहा है तो उस टाइम पे चाय की बात नहीं करनी। चाय में इतनी शक्ति है, और यही चाय अगर आप किसी गरीब को पिला देते हैं तो दोस्तों आपके राहु बहुत खुश होंगे। या फिर आप ऐसा करें, आपके पास कोई गरीब बस्ती हो या आपके कोई कर्मचारी हो जो आपसे थोड़े लेवल में छोटे हो, ऐसे लोगों को आप चाय पिलाना शुरू करें। अगर आप ये मंगलवार को चाय पिलाएंगे तो आपके मंगल आपके ऊपर प्रसन्न हो, और जिसके ऊपर मंगल प्रसन्न हो जाए उसकी तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि मंगल देव जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जिसके ऊपर मंगल प्रसन्न हो जाए उसके पास अथाह संपत्ति होते चली। मंगल भूमि पुत्र हैं तो आप समझ सकते। अगर ये चाय आप गुरुवार को पिलाते हैं तो आपके गुरु प्रसन्न हो, और ये ही चाय आप शनिवार को पिलाते हैं तो आपके शनि देव और राहु दोनों प्रसन्न हो जाए। तो जब इतने देव एक छोटी सी चाय से तो सोते हैं, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि इनके खुश होने से जिसके ऊपर राहु खुश हो जाए, राहु आपके धन स्थान को भर देता है, और राहु अगर नाराज हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में अनायास खर्चे बढ़ने लग जाए।
जितनी आवक नहीं होगी उससे डबल आपके खर्चे होने लगते हैं। तो ये राहु ग्रह जो है इसका कुपित होना अच्छा नहीं है। आप कितनी भी कमाई करें लेकिन अगर आपके ऊपर राहु नाराज है तो वो आपको संपन्न होने ही नहीं देगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, कोई दिन फिक्स करें और जगह फिक्स करें। जो बेचारे भिखारी लेवल के लोग हैं जिनके पास खाने का कुछ नहीं होता है, कोई उनको देने वाला भी नहीं है, ऐसे लोगों को आप जाएं और चाय में आप दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। क्या करें, दूध की मात्रा ज़्यादा रखें, जो नॉर्मल चाय बनती है उससे थोड़ा दूध ज़्यादा डलवाएं। आपके थोड़े पैसे खर्च होंगे और आप 2-5 व्यक्तियों को चाय पिला दें। जो नॉर्मल चाय होती है जितना वो दूध डालता है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको दूध उसमें डलवाना है, स्पेशल चाय में। और ऐसा आप 3-4 दिन करके देखिए, उसको आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये क्या हो। और वो 4-5 व्यक्तियों को चाय पिलाने के बाद आपको खुद को भी वो चाय पीनी, बस, और कुछ नहीं करना है। ना किसी शनि देव से प्रार्थना करनी है, ना मंगल देव से प्रार्थना करनी है, ना राहु से प्रार्थना करनी है, किसी को कोई प्रार्थना नहीं करनी। आपको सिर्फ चाय पिलानी है और उनको देने के बाद आपको खुद को लेना है आधा कप चाय और वहीं आपको भी पीनी है, बस। उसके बाद आप घर चले जाए। 4-8 दिन इस क्रिया को करके देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपके पैसे की आवक बढ़ने लग जाएगी, आपका वैभव फैलने लग जाएगा, ऐश्वर्य छलकने लग जाएगा और आप देखते ही देखते एक धनवान व्यक्ति बन जाएगा। ये उपाय बहुत ही छोटा है, करने में भी सिंपल है और सुनने में तो सिंपल है ही, लेकिन इसका फल बहुत अधिक होता है। बस आप करके देखिए, तो करते रहिए। ये करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती तो पूछे अवश्य। जिन लोगों को आप चाय पिलाएंगे और अगर जो बेसहारा है उनको पिलाएंगे तो दोस्तों आप नहीं जानते कि उनका आशीर्वाद आपको कहाँ से उठाते कहाँ रख देगा। लेकिन आपको ऐसी अपेक्षा नहीं करनी, आपका काम है सिर्फ उनको चाय पिलाना और बहुत मन से चाय पिलाना। अहंकार नहीं होना चाहिए, झुक के रिक्वेस्ट करके चाय पिलानी है, बस। जो आपका झुकना है वही आपकी महानता है और उसी का फल आपको प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, इसको करने या समझने में अगर कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्ते।